सर आपके आंसर ने काफी कुछ क्लियर कर दिया है कि किसकी चलती है। आजकल वुमेन्स के बारे में बड़ी बातचीत चल रही है, तो मैं यहाँ बैठे एक्सपीरियंस लोगों से पूछना चाहूंगा, सर आपके ख्याल में लड़कियां ज्यादा नखरे करती हैं या लड़के ज्यादा नखरे करते हैं? लड़कियां किस तरह के नखरे? यहाँ पे तो बिल्कुल कुछ बेहतर है, लाइक हमारा ड्रेस कोड इस वजह से बच जाती है, लेकिन मेकअप अपना पूरा तैयार होके आती है तो उस पर कोई कमी नहीं छोड़ती, यानी कि बाकायदा। सर आपके ख्याल में अगर इवन एंड ऑड का फार्मूला लगाया जाए कि एक दिन लड़कियां बोलेंगी और एक दिन लड़के बोलेंगे, तो क्या हम लड़कों को बोलने का मौका मिलेगा? मुश्किल है वैसे तो। थैंक यू सर। मैम सादिया, आप मैं लाइनें भूल रहा हूँ मैम, आपको देख के मैं, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल मैम, सब माफ है, जितने आपने 50 नंबर दिए हैं सब माफ मैम, सब माफ है, जितने आपने 50 नंबर दिए हैं सब माफ मैम। सीनियर्स के आज सारे तारीफें बड़ी करके जा रहे हैं, तो मैंने मैम इनके बारे में क्वेश्चन पूछना था कि इनकी कोई अच्छी नहीं मैम बुरी बात बताएं क्या? थैंक यू फॉर द माइक, मैं बड़ी देर से तड़प रही हूं। एक तो ये, मैंने हमजा के यू का नाम दिया था, इन्होंने एडिट कर दिया, वो बात काबिले माफी नहीं थी। ए बी ए ये सच का एज स्टूडेंट एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग क्लिशे, आई लव ऑल माय क्लासेस फॉर दिस, आई नो दैट साउंड्स बट एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टीचर्स कम्युनिटी, वी रियली डू लव वी विल ऑलवेज मॉन यू एंड बी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मैम, कीप लविंग मी, कीप मिसिंग मी। अच्छा आज मैं देख रहा हूँ जैसे यहाँ आज लड़कियां तैयार हैं, ऐसी अगर रोजाना आए तो लड़कों की अटेंडेंस 100% हो जाए। ये अच्छा, मेरे ख्याल में अब मैंने बहुत डेयरिंग कर ली है, मुझे वापस स्टेज पे चलना चाहिए। थैंक यू एवरीवन। अब मैं न्यूज परफॉर्मेंस के लिए बुलाना चाहूंगा साद खलील और जिशान नसीम को, गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बोथ। कि पहले कहीं कोई जो जैसे एक्सीडेंट होता था तो लोग पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाते थे, लेकिन अब कहीं एक्सीडेंट हो तो लोग हॉस्पिटल पहुंचाने के बजाय कैमरा निकाल लेते हैं वहां पर, और उसका किसी बंदे की टांग टूटी उससे पूछ रहे होंगे, भाईजान आपकी टांग टूट गई आपको कैसा लग रहा है? ऐसे नहीं करना चाहिए, बट क्या कर सकते हैं। अच्छा अब मैं अपने सीनियर के लिए कुछ पंजाबी शेर कहना चाहूंगा। मियां हमजा पापी किधर है? मियां हमजा पापी साड़ी क्लास दा भाई है, खास तौर पे गर्ल्स का। मियां हमजा पापी साड़ी क्लास दा भाई है, बन के भाई सारी शर्म इन्हें लाई है। अली मुमताज और अदील शाह के लिए, बड़िया नाल कीता इन्ना प्यार दा इजहार है, बड़िया नाल कीता इन्ना प्यार दा इजहार है, आज तक कोई भी नहीं चढ़िया पार है। हाफिज उमैर और मुस्तफा बान के लिए एक शेर है, शक्लों बड़े मासूम ऐसी लगते, शक्लों बड़े मासूम ऐसी लगते, पैड़ी गल करते हैं जरा नहीं सी चकते, ते हर वेले नवा शिकार सी तकते। ते हशाम जाफरी किधर है? हशाम जाफरी, हशाम जाफरी एक सीनियर बंदा है, हशाम जाफरी एक सीनियर बंदा है, काम बनने लगता ते पा देंदा पंगा है। ते अवैस लगारी साडा छोटा जिहा यार है, अवैस लगारी साडा छोटा जिहा यार है, ते राणे उस्मान दा वो पहला प्यार है। ते फिफ्थ ईयर साडी सीनियर क्लास है, मैनू इन्हां दा बड़ा एहसास है, फिफ्थ ईयर साडी सीनियर क्लास है, मैनू इन्हां दा बड़ा एहसास है, मैनू सिर्फ इको गल दा फेयर है, इन्हों विचों कौन कौन किदा किदा डेयर है। अब आखिर में मैं एक सबके लिए फिफ्थ ईयर के लिए उर्दू में शेर कहना चाहूंगा, तुम सलामत रहो हजार बरस, हर बरस के दिन हो हजार। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट रिहाब गिलानी ओवर नेक्स्ट होस्ट। थैंक यू।